सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। मैम को समय समय पर अपनी वीडियो और वर्कशीट भेज रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी तिथि और कौन सा दिन है। आज है 8th of February और वर्ष है 2022। फेब्रुअरी कौन सा महीना है? पूरे साल में कुल 12 महीने होते हैं, फेब्रुअरी जो है वह दूसरा महीना है। और आज दिन कौन सा है? आज दिन है मंगलवार। कौन सा दिन है? मंगलवार। प्यारे बच्चों, कल की हिंदी कक्षा में हमने एक नया विषय शुरू किया था जो था वचन बदलो। वचन बदलो क्या होता है? वचन बदलो होता है जब हमें एक चीज दे रखी होती है और हमें उसे बहुत सारी चीजों में बदलना होता है, यानी एक वचन को हमें बहुवचन में चेंज करना होता है। एक वचन का मतलब होता है कोई एक चीज हमें दे रखी है और उसे बहुवचन यानी प्लूरल में हमें उसे चेंज करना होता है। एक वचन सिंगुलर और बहुवचन को हम प्लूरल बोलते हैं। वचन बदलो का मतलब होता है वन एंड मैनी। ओके, सो जब हमें कोई एक चीज दे रखी है उसे हमें बहुत सारी यानी प्लूरल में चेंज करना होता है, तो हम आ की मात्रा को मतलब ए की मात्रा में बदल देते हैं। जैसे आज के हिंदी कक्षा में हम एक नई वर्कशीट करेंगे, वचन बदलो से संबंधित है, सही मिलान करो। हमें यहाँ एक वचन दे रखा है और हमें उसके बहुवचन के साथ उसका सही मिलान करना है। सबसे पहले दे रखा है तारा। क्या दे रखा है? तारा, यानी आ की मात्रा है और उसे हमें बहुवचन प्लूरल में चेंज करना है, तो आ की मात्रा में ए की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा? तारे। तो तारा का तारे, कमरा का कमरे, एक यहाँ पे कमरा है और बहुत सारे होंगे तो क्या बन जाएगा? कमरे। फिर है लड़का और बहुत सारे होंगे तो लड़के। यहाँ है केला और बहुत सारे होंगे तो केले। बेटा है, बहुत सारे होंगे तो बेटे। तो चलिए इनका सही मिलान करना शुरू करते हैं। तारा का तारे, कमरा का बहुत सारे होंगे बहुवचन कमरे, लड़का एक लड़का है यानी कि एक वचन है, सिंगुलर की बात हो रही है और बहुत सारे होंगे तो लड़के, तो लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन प्लूरल में हम चेंज कर देंगे। उसके बाद है केला और बहुत सारे होंगे तो केले। अगला है बेटा और बहुत सारे होंगे तो बेटे। ठीक है, तो आपने देखा कैसे एक वचन बहुवचन में बदला और उसका हमने सही मिलान किया। आपने भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही साफ साफ करना है, सही उच्चारण करना है और समझ के करना है। ठीक है, और मैम को इसकी फोटो भेज देंगे। धन्यवाद।